हमारे यहाँ बच्चे आजकल दूसरे देश, दूसरे शहर तो ज्यादा घूम रहे हैं, लेकिन घर के आसपास खुद से नहीं जा सकते। ऐसा क्यों है? एक गलत कदम। आजकल मैंने अपने दो दोस्तों के साथ सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी शुरू की है, सुबह 6:30 से 7:30। जिस पार्क में हम एक्सरसाइज करते हैं वो एक स्कूल के सामने है, तो जब हम सुबह जाते हैं तो खाली होता है। ध्यान से सुनो तो शायद दो चार पक्षियों की आवाज भी आ जाती है, लेकिन जब तक एक्सरसाइज खत्म होती है हम बाहर आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों के हॉर्न बज रहे हैं। ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी में एक पेरेंट या एक ड्राइवर और एक बच्चा, फुल जाम लगा होता है। जब मैं ये देखता हूं तो मुझे याद आती है अपने बचपन की, जब मेरा स्कूल 4 किलोमीटर दूर था और मैं अपनी लाल रंग की साइकिल पर स्कूल जाता था अकेले। तो मैं सोचता हूं कि ये आजकल के बच्चे स्कूल साइकिल पर क्यों नहीं जाते, कहां गए वो दिन? और क्या ये है कि हम इंडियन पेरेंट्स बेफजूल में ज्यादा चिंता करते हैं, या एक्चुअली अब साइकिल पर बच्चे को स्कूल भेजना मुश्किल है? बाकी देशों में क्या हो रहा है, आप एक क्यूरियस पेरेंट हैं, और अगले 5 मिनट हम बच्चों के बारे में बात करेंगे। चलिए एक रिसर्च देखते हैं जो कि जैन 1990 में पब्लिश हुई। थोड़ी पुरानी लगती है लेकिन बहुत ही यूजफुल है। इस रिसर्च ने 50 साल का डेटा यूज किया। दिस वॉज अ बिग रिसर्च। इस रिसर्च पेपर का नाम था वन फॉल्स मूव, एक गलत कदम। ये रिसर्च थी इस चीज की कि पिछले 50 सालों में बच्चों की आजादी कैसे बदली है और क्यों बदली है। और ये बात आई इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कहा कि पिछले 50 सालों में रोड सेफ्टी इंक्रीज हो गई है, जबकि नंबर ऑफ कार्स ऑन रोड पहले से 25x 25 गुना हो गए, बट चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन रोड एक्सीडेंट्स रिड्यूस बाय हाफ, आधे हो गए। ये रिसर्च पेपर ये पूछना चाहता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इज दैट पॉसिबल कि गाड़ियां इंक्रीज हो गई हैं, स्पीड ऑफ व्हीकल इंक्रीज हो गया, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गया है, लेकिन एक्सीडेंट कम हो गए हैं, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे? आइए देखते हैं। तो 1970s में ब्रिटेन में 7 साल के 10 में से 9 बच्चे, मतलब 90% किड्स घर के सामने की रोड खुद से क्रॉस करते थे। 1990s तक आते आते ये 3 में से 1 हो गया, मतलब 90% से रिड्यूस होकर 33% हो गया, और 2022 में आते आते ये 0% हो चुका है। 1970s में यूनाइटेड स्टेट्स में 90% बच्चे स्कूल खुद से जाते थे, पैदल या साइकिल पर, बट 2000 तक 90% गिर के 10% रह गया, और आजकल ये भी शायद 0 हो गया है। इंडिया में ट्रैफिक कैसा है ये तो आपको पता ही है। तो हुआ ये नहीं है कि ट्रैफिक कम हो गया है या रोड सेफ्टी इंक्रीज हुई है, ये नहीं हुआ है, रोड से बच्चे ही हट गए हैं। और इस पर रिसर्च पेपर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि बच्चों के लिए रोड सेफ्टी का मेजर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स या नंबर ऑफ डेथ नहीं है, बच्चों के लिए रोड सेफ्टी का मेजर है एस्कॉर्टिंग टाइम यूज ऑफ एडल्ट्स फॉर चिल्ड्रन, के बच्चों को बड़ों की कितनी जरूरत पड़ती है। 1971 से 1990 तक दिस टाइम इंक्रीज बाय 4x, 4 गुना से बढ़ा, अब और बढ़ गया है। पहले बच्चे स्कूल खुद से जाते थे, रोड खुद से क्रॉस करते थे, अब नहीं कर सकते, मतलब रोड सेफ्टी कम हुई है, बड़ी नहीं है, और पेरेंट्स की जो चिंता है वो सही है। ज्यादा बच्चों के पास साइकिल है, लेकिन आज से 20 साल पहले तक साइकिल वाज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक ट्रांसपोर्ट का मोड माना जाती थी। आजकल साइकिल चलाना घर के आसपास एक शौक की तरह रह गया है, और जो कार हमें घुमाने दूर तक लेके जाती है, वही कार बच्चों को थोड़ा भी दूर जाने से रोक रही है। ये बदलना बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम पेरेंट्स के हाथ में है, कि अगर आपको जरूरी लगता है कि बच्चे खेल कूद सकें खुद से, तो आप कहाँ रहते हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है, और कहाँ रहते हैं इसको चूज करने के लिए आप ये 3-4 चीजों का ध्यान रख सकते हैं। पहला ये कि सोसाइटी में जो पार्क हो या खेलने की जगह हो, वहां जाने के लिए रोड क्रॉस ना करनी पड़ती है। घर से बाहर रोड के साइड पे चलने के लिए पेमेंट्स, निचले फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट की जरूरत ना पड़े इसके लिए घर नीचे वाले फ्लोर पे लीजिए। अगर रोड है घर के बाहर तो ऐसा घर हो जो रोड के एंड पर हो, इससे ट्रैफिक कम होता है। रिसर्च बोलती है कि ऐसे घरों में बच्चों का इंडिपेंडेंस 40% ज्यादा होता है, मतलब दे कैन प्ले मोर एंड मोर। मैं थोड़ा बेफिक्र पेरेंट, मेरी पर्सनल टेंडेंसी रहती है कि बच्चे को आजादी दो, लेकिन ये सब रिसर्च पढ़ के मुझे समझ में आया कि एक एक गाड़ी जो रोड पे बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, उसका कितना बड़ा रिस्क है और इम्पैक्ट है हमारे बच्चों की फ्रीडम पे। तो अगर मेरी बेटी ने जिद की कि
मुझे रोड खुद से क्रॉस करनी है तो मैं क्या कहूँगा? उससे कहूँगा कि मुझे पता है कि तुमको डर नहीं लगता, दैट यू आर नॉट अफ्रेड, बट अगर तुम खुद से करना चाहती हो तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी कि रोड पे पार्क की हुई गाड़ियों के बीच में से रोड क्रॉस मत करो, वहाँ से करो जहाँ पर ड्राइवर तुमको देख पाए। पहले लेफ्ट देखो, फिर राइट देखो, फिर लेफ्ट देखो, अगर खाली हो तो ही क्रॉस करो। इंडिया में ज़ेबरा क्रॉसिंग मिल जाए तो खाली वहीं से क्रॉस करो, भाग के कभी क्रॉस करो। ये सिंपल चीज़ें मैं उसको बताऊंगा और उसको करके दिखाऊंगा ताकि धीरे धीरे उसका और मेरा दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़े। खुद से ट्रैवल कर पाने को पर्सनल इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा सिंबल माना जाता है कि मैं खुद से कहीं जा सकता हूँ। ज़्यादा गाड़ियों ने और ट्रैफिक ने ये सब बदल दिया है, इसलिए अपने बच्चे को रोड क्रॉस करना बिल्कुल सिखाइए, ये बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम हरप्रीत है, आपने मेरे साथ अपने बच्चों के लिए 5 मिनट बिताए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। फिर मिलेंगे।